बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैट्रिक के बाय एनुअल एग्ज़ाम, जिन्हें सेकंड एनुअल एग्ज़ाम भी कहा गया है, और इन्हीं को जो कॉमन नेम दिया गया वो स्पेशल एग्ज़ाम का नाम दिया गया। मुख्तलिफ बोर्ड्स ने इस स्पेशल एग्ज़ाम को मुख्तलिफ नाम दिए, जैसा कि जो फेडरल बोर्ड था उन्होंने इसे सेकंड एनुअल एग्ज़ाम का नाम दिया, और अब जो रिज़ल्ट जारी किया गया बलूचिस्तान बोर्ड की तरफ से, इन्होंने इसे बाय एनुअल एग्ज़ामिनेशन का नाम दिया। बात एक ही है सबका, मतलब यही सेकंड एनुअल एग्ज़ाम ही होता है जिन्हें स्पेशल एग्ज़ाम का नाम दिया है। सो बलूचिस्तान बोर्ड ने रिज़ल्ट जारी कर दिया है। किस तरह रिज़ल्ट का तरीका है, मुकम्मल तरीका आपको इस वीडियो में बताने लगे हैं, आपकी आसानी के लिए लिंक भी शेयर कर देंगे। सबसे पहले तरीका जान लीजिए ताकि आपको रिज़ल्ट चेक करने में आसानी हो, किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रिज़ल्ट मालूम करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो आपका रोल नंबर है वो होना ज़रूरी है। जी हाँ, कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर आप नाम और वल्दियत की मदद से भी अपना रोल नंबर, अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, लेकिन इस बोर्ड का नहीं है। इस बोर्ड के रिज़ल्ट के लिए आपके पास आपका रोल नंबर होना चाहिए, इसके साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी एंटर करना होगा, और फिर बाद में CNIC आपको शनाख्ती कार्ड नंबर भी एंटर करना होगा, वही शनाख्ती कार्ड नंबर जो कि आपने एडमिशन फॉर्म पे लिखा था आपका अपना है या आपके वालिद मोहतरम का है, वही शनाख्ती कार्ड नंबर आपको एंटर कर देना है। और नीचे एक जगह दी गई होगी वेरीफिकेशन कोड की, वो वेरीफिकेशन कोड साथ में दिया गया होगा, उसी वेरीफिकेशन कोड को आपको आपने वहाँ पर एंटर करके नीचे सबमिट का बटन होगा उसको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, मोबाइल फोन पे ये स्क्रीन इस तरह खुलेगी। मैंने एरोज़ की मदद से जाहिर कर दिया है, शो कर दिया है कि कौन कौन सी चीज़ों को आपने फिल करना है। यही चीज़ें हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने रोल नंबर टाइप करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर अपना टाइप कर देना है, और तीसरे नंबर पे शनाख्ती कार्ड CNIC नंबर टाइप कर देना है, और एंड पे वेरीफिकेशन कोड टाइप करके वहीं पर दिया गया होगा उसी को आपने टाइप करना है, और एंड पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। सो अगर आपके पास आपका रिज़ल्ट नहीं आता, कोई एरर आ रहा है, सो नीचे कमेंट बॉक्स में आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपकी सही तरीके से रहनुमाई की जाएगी। इसके साथ साथ आपकी आसानी के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे सो आगे रिज़ल्ट का तरीका लिखा हुआ है, और वो सारा तरीका जिस तरह मैं आपको बता दिया है, किस तरह की स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी, सो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन अगर आप ये वीडियो हमारे मेन फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लिंक आपको ऊपर की तरफ मिलेगा, उस पे आप क्लिक करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।